हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और वर्तमान में मैं सेंट्रल जीएसटी एंड कस्टम डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर के पद पर दिल्ली जोन में कार्यरत हूँ। दोस्त, इस पोस्ट पर मेरा सिलेक्शन एसएससी सीजीएल 2018 के थ्रू हुआ था। इससे पहले मैं एसएससी सीजीएल 2017 के थ्रू सेम पोस्ट पर सेम डिपार्टमेंट में रांची जोन में पोस्टेड था। तो दोस्त, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, जॉब ओरिएंटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जर्नी रही है, वह शेयर करूंगा। ठीक है दोस्त, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, मेरी जो ग्रेजुएशन थी वो 2017 में कंप्लीट हुई और मैंने सिंपल बीएससी ही करी है। 2014 में मेरी 12th हुई और 2017 में मेरी ग्रेजुएशन हुई। तो दोस्त, मैंने कुछ एग्जाम 12th बेस्ड वाले भी दिए थे 17 से 14 के बीच में। तो यहाँ पर हम केवल जॉब ओरिएंटेड एग्जाम्स की बात करेंगे। तो दोस्त, जो सबसे पहला जॉब ओरिएंटेड एग्जाम मैंने दिया था वो था एनडीए का, जो मैंने 4 बार दिया था। दोस्त, उसका जो रिटन एग्जाम था, मैं उसमें 4 बार अपीयर हुआ और जो शुरू के दो बार जो रिटन मेरे पर रिटन एग्जाम ही क्लियर नहीं हुआ। बाद के 2 बार रिटन एग्जाम क्लियर हो गया, लेकिन उसमें रिटन के बाद एक प्रोसेस होती है दोस्त, एसएसबी। मैं एसएसबी में बाहर हो जाता हूँ। दोस्त, इसके बाद जो दूसरा एग्जाम दिया मैंने, डीआरडीओ जूनियर असिस्टेंट का दिया। दोस्त, 2016 की बात है, डीआरडीओ के फॉर्म निकले थे, सेप्टम उसके एजेंसी है जो कंडक्ट कराती है, उसमें एक पोस्ट थी जूनियर असिस्टेंट, जो 12th बेस पर दे सकते थे। मैं ग्रेजुएशन में था, लास्ट ईयर में था, तो मैंने इस एग्जाम में अपीयर हुआ और मुझे याद है इसका जो फर्स्ट टीयर 1 था दोस्त, वो 16 जुलाई 2016 को हुआ था। दोस्त, इसका टीयर 1 का रिजल्ट आता है फरवरी 2017 में और मेरा टीयर 1 क्लियर हो जाता है। फिर इसके बाद इसमें टाइपिंग टेस्ट होना था और दोस्त, मुझे उस समय टाइपिंग नहीं आती थी और मेरा जो टाइपिंग का सेंटर था वो बेंगलोर आया। एडमिट कार्ड आता है, जो टाइपिंग का सेंटर था वो था बेंगलोर, तो मैं अपीयर ही नहीं होता। इसके बाद 20 दिन बाद इसका टीयर 2 होना था, उसका मेरा एडमिट कार्ड आ जाता है, मैं टीयर 2 में एग्जाम देने चले जाता हूँ। फिर दोस्त, जब फाइनल रिजल्ट आता है, क्योंकि मैं टाइपिंग टेस्ट में अपीयर ही नहीं हुआ था, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट थी, टाइपिंग मैंडेटरी थी, तो उसमें लिखा आ जाता है रिमार्क्स में, यू आर नॉट सेलेक्टेड, क्योंकि मैं टाइपिंग टेस्ट में अपीयर नहीं हुआ था। हालांकि मेरी जो मार्क्स थे, कट ऑफ थी 70 थी आउट ऑफ 100, 200 का एग्जाम था, उसे 100 में बदल दिया था और मेरी मार्क्स 76 के अराउंड थी, लेकिन क्योंकि मैं टाइपिंग में अपीयर नहीं हुआ था, इसलिए मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं होता। दोस्त, इसके बाद जो मैंने एग्जाम दिया वो, अभी मैं ग्रेजुएशन अपीयर ही था दोस्त, मुझे याद है कि 23 नवंबर 2016 को, क्योंकि 2016 में मुझे याद है मैंने केवल 2 ही एग्जाम दिए थे, सीडीएस का एग्जाम दिया। दोस्त, सीडीएस का एग्जाम हम जानते हैं यूपीएससी कंडक्ट कराता है और साल में 2 बार होता है। तो दोस्त, जो लास्ट वाला था नवंबर में जो होता है, नवंबर या अक्टूबर, नहीं 23 अक्टूबर को एग्जाम था दोस्त, उसमें अपीयर होता हूँ। तो मैंने कुल मिला के जो सीडीएस के 4 बार दोस्त रिटर्न एग्जाम की मैं अपीयर हुआ। दोस्त, 4 बार मेरे रिटर्न एग्जाम तो क्लियर हो जाते हैं, लेकिन मैं एसएसबी में केवल 1 ही बार जाता हूँ। पहली बार गया था देहरादून, मेरा एसएसबी था और मेरा एसएसबी से फिर बाहर हो जाता हूँ। तो मैंने कुल मिला के 3 एसएसबी दिए और 3 बार में बाहर हो गया और उसके बाद फिर मैं एसएसबी में अपीयर नहीं हुआ। दोस्त, अब 2017 में जो मेरा पहला एग्जाम होता है वो था, मेरा को याद है सीएचएसएल 2016 का एग्जाम 2017 में हुआ, ये भी 12th बेस्ड पर एग्जाम होता है। तो दोस्त, ये मेरा एसएससी का पहला एग्जाम था और मेरे प्री में ठीक मार्क्स आते हैं, प्री मतलब टीयर वन में ठीक मार्क्स आती है और जो मेरे सीएचएसएल में 2016 वाले में मेरे मार्क्स थे दोस्त 154 200 में से। ये पहली बार था कि ऑनलाइन एग्जाम हो रहा था सीएचएसएल का, 2016 से एसएससी ने ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराना शुरू किया था, तो सीजीएल और सीपीयू का हो चुका था, सीएचएसएल का था, उसमें मैं भर नहीं सकता था क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन नहीं हुई थी। सीएचएसएल का दिया, मेरे मार्क्स ठीक आए 154। अब ये नहीं कि उस समय मेरी कोई प्रैक्टिस तो ऐसी थी नहीं, हुआ क्या, टाइम इसमें सवा घंटे था। अब जो 1 घंटे का टाइम है वो उस समय 1.25 घंटे था जब पहली बार, तो टाइम काफी था, तो मार्क्स भी ठीक आया, हालांकि कट ऑफ इसकी आज के मुकाबले में तो काफी कम गई थी और टाइम ज्यादा था। तो दोस्त, 154 मेरे मार्क्स आए, इसके बाद मैं टीयर 2 के लिए क्वालिफाई हो जाता हूँ। टीयर 2 होता है और दोस्त, मेरे टीयर 2 में इसमें 56 मार्क्स आती है आउट ऑफ 100, तो मेरे टोटल मार्क्स 210 बने और मैं टाइपिंग के लिए रिकमेंड हो जाता हूँ।
तो दोस्त अब मुझे जब तक ये इसकी टाइपिंग आई, मैंने टाइपिंग अपना कर रहा था प्रैक्टिस, और मेरी 35-40 की स्पीड भी आ रही थी। लेकिन जब मैं इसके टाइपिंग टेस्ट में एग्जाम सेंटर में जाता हूँ तो मुझसे टाइपिंग नहीं हो पाती। फर्स्ट टाइम में टाइपिंग में टेस्ट में अपीयर हुआ था, पिछली बार मैंने स्किप कर दिया था DRDO वाला, लेकिन इसमें फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था और मुझसे टाइपिंग वहां नहीं होती। तो इसका भी खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। वहां मुझे पता लग गया कि भाई टाइपिंग हुई नहीं है, तो इसका भी खेल मेरा वहीं पर खत्म हो जाता है। इससे पहले DRDO वो भी खत्म, ना CDS में हुआ ना NDA में हुआ। दोस्त CHSL 2016 का एग्जाम है जो 17 में हुआ था। दोस्त इसके बाद मुझे याद है मैं इसमें एक DU में LLB का एंट्रेंस एग्जाम होता है, ग्रेजुएशन के बाद LLB एंट्रेंस होता है, उसमें अपीयर हुआ 2 जुलाई 2017 को था, जहां तक मुझे याद है 2 जुलाई 2017 को उसका एंट्रेंस एग्जाम था। और दोस्त मेरा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाता है और मैं DU LLB में एडमिशन ले लेता हूँ। 5-10 दिन जाता हूँ, बुक भी खरीद लेता हूँ, मतलब जब तो लग रहा था कि हाँ भाई बुक खरीद ली, पढ़ेंगे 10 दिन बाद मन करता है छोड़ना, और मैं छोड़ ही देता हूँ। फीस वगैरह तो सब जमा हो जाती है, लेकिन मैंने जाना बंद कर दिया और किताबें लौटा दी। क्यों लौटाई, मन नहीं किया कि भाई करना है, हालांकि अब सोचता हूँ कि कर लेना चाहिए था। ठीक, उसके बाद दोस्त मैं अपीयर हुआ CDL में, 17 में ग्रेजुएशन हो गई थी, CDL 2017 में अपीयर हुआ। मेरा जो एग्जाम था जो मुझे याद है ये था 12 अगस्त 2017 को, प्रैक्टिस में कर रहा था। हाँ इससे पहले सॉरी एक और एग्जाम था याद आया मुझे, इससे पहले जुलाई 2017 में असिस्टेंट कमांडेंट का एक एग्जाम होता है दोस्त, UPSC कराती है। अब 2017 में मेरे को इतनी तो उसमें केवल GK वगैरह आती है मेनली, मैथ के तो 5-6 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के भी आते हैं। अब उस एग्जाम में क्या हुआ कि मेरी सिस्टर भी अपीयर हो रही थी और मैं भी अपीयर हो रहा था, तो रोल नंबर क्या हुआ कि मेरी सिस्टर का मान लो सपोज करो लास्ट का 88 है, मेरा 89 है। मैं बड़ा खुश कि भाई ठीक है, उसका 88 है, उसका 89 है, मैं उसके पीछे ही होऊंगा। वो तो बस देने के लिए जा रही थी, मेरे को यह था कि भाई कर लूंगा मैं, फिजिकल वगैरह तो कर ही लूंगा, या बस ये वाला जो रिटर्न है ये निकल जाए अच्छे मार्क्स से, फिजिकल कर लूंगा फिर इंटरव्यू होगा, अच्छे मार्क्स से निकलना चाहिए था। लेकिन तो उसका 88 था, उसका 89। मैंने कहा कि भाई मेरे को आंसर दिखाती रही हो तू और मैं करता रहूंगा, गोले भरता रहूंगा। अब और जो वो था ऐसे वगैरह थोड़ा बहुत दिखा दिए, थोड़ा मैं लिख लूंगा हो जाएगा, ठीक अच्छी प्लानिंग थी। अब हुआ क्या, जैसे एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचे वहां सिटिंग प्लान देखा तो उसका तो था रोल नंबर जो 88 था वो इस रूम का लास्ट में पड़ा और मेरा अगले रूम का पहला। मैंने कहा हो गया सत्यानाश। अब यहां पर फिर अब तो पता लग गया कुछ होना नहीं है। एग्जाम आया, मैंने पहला पन्ना पलटा, मैंने कहा कुछ आई नहीं रहा, दूसरा पलटा कुछ आई नहीं रहा, मैंने कहा लगता है पीछे से स्टार्ट करते हैं, पीछे से देखा कुछ आई नहीं रहा, और फिर कुछ आते थे क्वेश्चन वो कर दिए, तो ऑब्वियसली बात है कुछ नहीं होना था, तो प्री नहीं निकला मेरा तो, हालांकि GG का निकल गया था प्री, मतलब जो इस एक ही होता है रिटर्न एग्जाम, दो एग्जाम होते हैं एक ही दिन में, तो उसका हो गया था, मेरा नहीं निकला। उसके बाद होता है वो CDL का, CDL 12 अगस्त 2017 को होता है प्री। अब उसमें मैथ्स रीजनिंग थी, उसकी मैं प्रैक्टिस कर रहा था और यहाँ भी मैंने दिया था तो ठीक था मैथ रीजनिंग, तो ये तो नहीं कि बहुत अच्छा था, उसमें नॉर्मल ही चाहिए होता है एग्जाम्स में। तो दोस्त मेरे प्री में ठीक मार्क्स आ गए 158.5, हालांकि सिली मिस्टेक्स मेरी बहुत हुई थी रीजनिंग में भी और मैथ्स में भी। बस आपको भी क्या करना है, सिली मिस्टेक अवॉइड कर दी और थोड़ी सी मेहनत करनी है, ज्यादा की जरूरत नहीं होती दोस्त इन एग्जाम में, थोड़ी सी मेहनत करनी है और कैलकुलेशन तेज कर लेना थोड़ी सी, तो ये एग्जाम इजिली हो जाएगी, 4-5 घंटे पढ़ना है बस हमें। तो दोस्त 158.5 मार्क्स आ गए 200 में से, कोई खास नंबर तो नहीं बच्चों, 190-95 मार्क्स थे, लेकिन 158.5 थे, ये था कि हाँ भाई अगर अच्छा किया तो सिलेक्शन होने के चांस है। अब दोस्त इसका जो मेंस था वो टलता रहा, इसी बीच IBPS होता है, हालांकि उसकी मैंने कभी तैयारी नहीं की, उसकी रीजनिंग अलग आती थी, उसमें जनरल अवेयरनेस में बैंकिंग आता है और पता नहीं क्या क्या आता था, तो वो आता नहीं था मुझे कुछ, और रीजनिंग भी अलग होती थी और मैथ्स भी अलग होता था। मैथ्स अलग कैसे, मतलब आप जब पेपर देखोगे तो देख लोगे कि इग्नोर, हालांकि कहते तो ये कि इसका मैथ्स हार्ड होता है लेकिन उसका मैथ्स भी अच्छा होता है, मेंस का, प्री का तो बहुत इजी आता है लेकिन मेंस का ठीक होता है, उसका मैथ्स अच्छा होता है, ठीक नहीं अच्छा आता है।
तो दोस्त मैंने पीओ में अभी आईबीपीएस पीओ का भी फॉर्म भर दिया और क्लर्क का भी भर दिया, क्योंकि इसका तो मीन्स अभी मतलब भरना तो था ही भाई, जो भी फॉर्म आ रहे थे मैं भरता जा रहा था ग्रेजुएशन के बाद। अब फॉर्म भर दिया, अब क्या हुआ कि मैं पीओ के उसमें अपीयर हुआ प्री में, और मेरा दोस्त प्री क्लियर हो जाता है, मैं मेंस में अपीयर हुआ। मेंस मुझे याद है 26 नवंबर 2017 को एग्जाम था, मैं मेंस में अपीयर हुआ। अब मेंस में ना वहां मैथ्स रीजनिंग तो अच्छा हो गया, लेकिन जीके और इंग्लिश में कुछ समझ में ही नहीं आता। अब घर आए ठीक, 15-20 का रिजल्ट जो होता है ना आईबीपीएस पीओ का दोस्त 20-22 दिन में ही आ जाता है, और कम दिन में ही आ जाता है, प्री का तो शायद 8-10 दिन में ही आ जाता है। तो हुआ क्या है कि मैं अपीयर तो हो गया, रिजल्ट देखा तो उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, इंडिविजुअल रिजल्ट आता है, कोई पीडीएफ वगैरह नहीं आती। तो जिनका सिलेक्शन नहीं होता उनका क्या होता है कि 10-15 दिन बाद मार्क्स आ जाते हैं उनके। तो दोस्त जो मैं देख रहा था कट ऑफ थी 200 में से 74 थी, जहां तक मुझे याद है 225 में से 74 थी, 25 नंबर का उसमें डेस्क्रिप्टिव होता है। और दोस्त डेस्क्रिप्टिव लेकिन इस एग्जाम में जब ही चेक होता है जब आप इंडिविजुअली सब में पास हो। अब मेरे 200 में से 18 नंबर ज्यादा थे, शायद उसकी 74 थी तो मेरे 92, मतलब ये पता है कि 18 नंबर ज्यादा थे, 92 थे शायद जहां तक मुझे याद है, तो 18 नंबर ज्यादा थे आउट ऑफ 200। क्यों? मेरे 25 नंबर का जो दोस्त डेस्क्रिप्टिव था वो चेक ही नहीं हुआ था। क्यों नहीं चेक हुआ था? क्योंकि मैं अंग्रेजी में फेल हो गया था, जीके में तो पास हो गया था लेकिन अंग्रेजी में मैं फेल हो गया। अंग्रेजी में मेरे 4 नंबर आए थे दोस्त 40 में से, 40 नंबर का होता था ये मेंस में, और कट ऑफ शायद 6 या 6.25 थी, तो मैं अंग्रेजी में क्लियर नहीं कर पाया। अगर क्लियर कर देता तो मार्जिन तो था भाई 25 में से 10 उसमें भी मिल जाते, तो 18 और 10 28 और 30 30 नंबर का मार्जिन अच्छा खासा हो जाता और इंटरव्यू में पास हो जाता तो सिलेक्शन के चांस थे। लेकिन मैं अंग्रेजी में मेरे केवल 4 नंबर आए 40 में से और मैं यहाँ फेल हो गया। अंग्रेजी काफी अच्छी आई थी, मेरे पर तो कुछ हुआ ही नहीं था, और मतलब हमारी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी लेकिन पेपर में अंग्रेजी काफी अच्छी आई थी। अब दोस्त इसमें तो फेल हो गए। अब मेंस एग्जाम आया सीजीएल का, अब इसमें अंग्रेजी में मतलब 4 नंबर देके और 1-1.5 महीने बाद सीजीएल मेंस था, तो लगा यार उसमें क्या होगा पास, मतलब ये तो था कि उससे इजी आएगी, लेकिन फिर भी 40 वैसे 4 नंबर 10 नंबर होते तो समझ में भी आता कि 6 तो पास है, पास भी नहीं हुए इंडिविजुअली। तो दोस्त थोड़ी सी मेहनत करना स्टार्ट कर दी अंग्रेजी में और बाद में ठीक हो गए, अंग्रेजी में मार्क्स ठीक ही आए, अच्छे तो नहीं आए। तो मेरे जो सीजीएल मेंस के बाद मार्क्स बने दोस्त सीजीएल मेंस में, जब मेंस हो गया 496 point something थे, 25 थे, 496.25 आउट ऑफ 600। अब ये था कि हाँ भाई सिलेक्शन तो हो जाएगा, और लेकिन ये सिलेक्शन हो जाएगा नहीं, अब ये था मुझे कि 2016 से मैं कंपेयर कर रहा था 15-16 से, क्योंकि भाई पहली बार एग्जाम दे रहे थे आइडिया था नहीं, तो ये था कि पोस्ट शायद दिल्ली में मिल जाए, मेरे को दिल्ली में मिल जाएगी पोस्ट, ये था। ये तो नहीं कह रहा कि जो मैं चाहूंगा वो मिल जाए, लेकिन जो मैं सोच रहा था कि एक्साइज वाली दिल्ली में मिल जाए मेरे को, ये था। तो अब क्या हुआ कि ये कोर्ट में चला गया केस, इसका टीयर 3 हो गया और कोर्ट में चला गया। अब इस बीच बहुत एग्जाम दिए, फिर अब ये कोर्ट में चला गया, कोर्ट में ये 2019 में हुआ। अब 17-18 के फिर मैंने जितने भी फॉर्म भरे, अब पढ़ाई छूट क्या गई, ये था कि हाँ भाई 496 सिलेक्शन हो जाएगा, तो पढ़ नहीं रहा था। अब क्या हुआ जितने भी एग्जाम निकलते उसमें फाइनल तक तो पहुंचता, लेकिन फाइनली सेलेक्ट कैसे मैं नहीं हो रहा था, कुछ में हुआ था जिसमें सिलेक्शन हुआ है बाद में वो एक बार देख लेगी कौन कौन से में हुआ था। अब आईबीपीएस 2018 मैंने भरा पीओ का, और दोस्त 2017 में मैंने क्लर्क का भी रहा था, लेकिन क्लर्क वाले में मैं अपीयर नहीं हुआ था फ्री में। 2018 का पीओ का भरा और 2018 का आरआरबी पीओ भी भरा, 17 वाला नहीं भरा था लेकिन 18 वाला भरा आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क भी भरा और एसबीआई क्लर्क भी भरा। दोस्त आईबीपीएस पीओ में अब के मैं मेंस तक वो सॉरी इंटरव्यू तक गया, हालांकि पढ़ के मैं अभी भी नहीं गया था, इसका जो बैंक जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग थी और अंग्रेजी इसमें थोड़ी टफ आती ही थी, तो मैं पढ़ के नहीं गया था, लेकिन था कि हाँ भाई इतना तो देख लेंगे, देख कुछ नहीं लेंगे, हुआ कुछ नहीं। और 2018 में इंटरव्यू तक पहुंचे, अब इंटरव्यू में थोड़े ठीक नंबर मिल जाते, इंटरव्यू हुआ ठीक था, लेकिन मेरे जो नंबर दोस्त इंटरव्यू में मिले वो थे 45 out of 100। ये दोस्त
ये नोएडा में बैंक ऑफ इंडिया है, आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू वहां हुआ था मेरा। जनरली जो यहाँ से होते हैं उसका जो इंटरव्यू होता है वो वहां होता है। तो दोस्त मेरे जो मार्क्स थे वो आए 45 out of 100। बाद में जब कट ऑफ वगैरह पता लगी आई तो ये दोस्त 20 नंबर का लगता है, तो 20 में से 9। बाद में पता लगा कि अगर 55 होते तो हो जाता, लेकिन इंटरव्यू तो ठीक हुआ था लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं मिले और इसमें भी मैं फेल। दोस्त आरआरबी पीओ 2018 में भी अपीयर हुआ, आरआरबी क्लर्क 2018 में भी अपीयर हुआ, और प्री पीओ और क्लर्क दोनों का निकला, लेकिन मेंस दोनों का मेरा लखनऊ था। और दोस्त मेंस में इसमें कंप्यूटर आता है और इसमें भी इंडिविजुअल पास होना होता है, और मैं दोनों ही एग्जाम में आरआरबी पीओ 2018 में भी और आरआरबी क्लर्क में भी, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक दोनों में ही मैं कंप्यूटर सेक्शन होता है उसमें इंडिविजुअली पास नहीं हो पाया और उसमें फेल। एसबीआई क्लर्क भी दिया मैंने 2018 का। दोस्त एसबीआई क्लर्क मेरा प्री अच्छा हो गया, क्वालिफाई हो गया, मेंस मुझे याद है 5 अगस्त 2018 का मेंस था, मेंस भी अच्छा हो गया और जीके में भी ठीक ठाक तुक्के से लग गए और मैं जीके में भी पास हो गया। अब इंग्लिश उसमें इजी आई थी, नॉर्मली आई थी, इंग्लिश में भी पास था और मेरा फाइनली भी सिलेक्शन हो गया एसबीआई क्लर्क में। तो दोस्त एसबीआई क्लर्क में मेरा फाइनल सिलेक्शन 2018 में हो जाता है। फिर डीवी का आता है नंबर, डीवी में मैं अपीयर होता हूँ लेकिन मैं इसे फिर ज्वाइन नहीं कर, ज्वाइन ये मैंने नहीं किया था क्योंकि ये था कि भाई सीजीएल का है ठीक है, एग्जाम ठीक हुआ था, 496 नंबर है तो इससे बेटर ही कुछ मिल जाएगा, अगर कोर्ट के सत्र नहीं हटा तो दोबारा एग्जाम दे लेंगे। लेकिन अभी मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, बस मैंने गड़बड़ जो करी यही करी है। इसके अलावा एक राज्यसभा का एग्जाम हुआ था दोस्त, राज्यसभा ने कंडक्ट कराया था, उसमें भी मैं अपीयर हुआ दोस्त। उसमें राज्यसभा में 2-3 पोस्ट थी, प्रोटोकॉल ऑफिसर, सिक्योरिटी असिस्टेंट, ये 2 पोस्ट के लिए मैंने भरा था। तो दोस्त मेरा प्रोटोकॉल का तो प्री ही नहीं निकला, सिक्योरिटी असिस्टेंट में उसमें परसेंटाइल के उसमें आता था रिजल्ट कितने परसेंटाइल कट ऑफ है, सिक्योरिटी असिस्टेंट में मेरा प्री नहीं, सिक्योरिटी असिस्टेंट 4200 ग्रेड पे की थी तो दोस्त उसमें मेरा प्री तो निकल जाता है। फिर उसके बाद फिजिकल होता है, फिजिकल यहाँ झड़ौदा कला में सीआर, झड़ौदा कला नहीं ये कहां पर है ध्यान नहीं आ रहा, वहां पर सीआरपीएफ कैंप था वहां पर हुआ था, झड़ौदा कला नहीं कोई दूसरी जगह है, वहीं पर सीपीओ का बीएसएफ में हुआ था और इसका फिजिकल सीआरपीएफ में हुआ था। तो दोस्त फिजिकल होता है, फिजिकल हो जाता है। फिर इसका जो एग्जाम हुआ था मुझे याद है दिसंबर 2018 में हुआ था, उसमें सारा डेस्क्रिप्टिव था और जून 2019 में इसका रिजल्ट आता है राज्यसभा का सिक्योरिटी असिस्टेंट का और इसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं होता, फाइनली नहीं होता। लास्ट में हम 92 बच्चे थे जो मेंस में अपीयर हुए थे, जनरल की जो वैकेंसी थी शायद 17-18 थी और उसमें मेरा नंबर 17 या 14-15 ऐसी थी, उसमें मेरा नंबर नहीं आता है। तो दोस्त इसके अलावा भी मैंने कई एग्जाम दिए और जैसे ध्यान आया तो मैं बताता हूँ कौन सा, 2018 का चल रहा है इसी ने कंडक्ट करा था, आईबीपीएस ESIC SSO, उसमें भी बैंकिंग का पैटर्न था, आईबीपीएस कंडक्ट करा रही थी। तो दोस्त उसमें भी मेरा प्री हो जाता है, मेंस हो जाता है और मेंस के बाद उसमें वो था ये जो सीजीएल में टीयर 4 में नहीं होता कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट वो, लेकिन उसमें जो फाइनल कट ऑफ जाती है मेरे उतने मार्क्स नहीं आते और उसमें भी मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं होता। इसके बाद दोस्त मेरा एक एग्जाम था इंडियन बैंक पीओ का 2018 में, इंडियन बैंक पीओ ये इसने इंडिविजुअली अपना कंडक्ट कराया, एक PGBDF थ्रू कुछ ऐसा ही था, उसके थ्रू प्रोग्राम के थ्रू कंडक्ट कराने लगे थे बीच में अलग अलग बैंक, तो उसमें मैंने भर दिया, प्री क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हो गया, इंटरव्यू तक पहुंचा। तो ये एकमात्र एग्जाम है दोस्त जिसमें मैंने इंटरव्यू फेस किया और फाइनली सेलेक्ट हुआ, लेकिन PGDBF था कुछ उसमें PGBDF के मैं क्या था कोई बॉन्ड वगैरह बनना होता था, सिलेक्शन हो गया लेकिन उसके आगे की प्रोसेस मैंने नहीं करी कुछ भी। तो दोस्त ये जो PGBDF का था ये दिसंबर 2018 में शायद इसका रिजल्ट आया था। तो ये एकमात्र एग्जाम था, मैंने 6 इंटरव्यू फेस किए डिफरेंट एग्जाम के, 2 बार जैसे IBPS PO का हो गया, 1 बार SBI PO, इंडियन बैंक PO, फिर ये एक IBACIO2 और असिस्टेंट कमांडेंट, 6 इंटरव्यू फेस किए दोस्त, केवल एकमात्र इंडियन बैंक PO था जिसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ, बाकी के 5 में मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ।
तो एक याद आ गया आईवी का ASIO2 2017 में ही निकले थे दोस्त, और याद है मुझे अक्टूबर 2017 में इसका प्री हुआ था, और प्री में टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही वो थे क्वेश्चन, और वो चैप्टर मैं क्या था उस समय पर ऑप्शन से किया करता था। तो ये प्री इसका निकल जाता है, मेंस फरवरी में होता है वो भी निकल जाता है, इंटरव्यू में अपियर होता हूं मैं बापू, ये बापू धाम पर हुआ था इंटरव्यू, और इसमें मार्क्स वगैरह कुछ रिलीज नहीं होते, फाइनल जब आता है तो इसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं होता दोस्त। मेरा अभी तक केवल सिलेक्शन एक तो यूपी, वो बताया नहीं यूपी पुलिस कांस्टेबल में हुआ था सबसे पहला जो सिलेक्शन था, उसके बाद मेरा SBI क्लर्क में हो गया। अब एक RRB का टेक्नीशियन और ALP वगैरह ये फॉर्म निकले थे 2018 में, ये भी मैंने भरा था दोस्त। इसमें PCM एक PCM टेक्नीशियन पूछती, उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, जो कट ऑफ आई थी उससे अच्छे खासे ऊपर मार्क्स थे, लेकिन मैं इसमें DV में अपियर नहीं होता, DV में अलाहाबाद होना था उसमें नहीं जाता, मेरे 95 मार्क्स थे शायद आउट ऑफ 100, 94 पॉइंट समथिंग थे, लेकिन मैं उसमें DV में नहीं जाता। और दोस्त ये एग्जाम में अपियर हुआ। अब 2018 में हाँ मैं CPO का एग्जाम दिया, जो कि हुआ कब था 2019 में हुआ था दोस्त, 2019 में एग्जाम हुआ। और इसके अलावा मैंने दोस्त एक DSSSB, ये दिल्ली का बोर्ड है, DSSSB जो दिल्ली गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है ये कंडक्ट कराता है, इसके 3-4 एग्जाम में अपियर हुआ। एक तो इसके असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट, एक असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट, एक DAS 2, एक DAS 4, एक पटवारी, इन 4 एग्जाम में मैं अपियर हुआ। और एक मैंने केवल वो दिया था फिजिकल दिया था वार्डर का, इसके मैं रिटर्न में नहीं गया था। तो दोस्त असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट, DAS 2, DAS 4, पटवारी और वार्डर, इन 5 एग्जाम मैंने DSSSB के भी दिए दोस्त। असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट और इसमें फिजिकल भी था, फिजिकल मेरा क्लियर हो जाता है और मेरा असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट में फाइनल सिलेक्शन भी हो जाता है। इसकी ज्वाइनिंग जब ही आई थी, जब CGL 2017 की ज्वाइनिंग आती है, इसकी ज्वाइनिंग मेरी अगस्त 2017 में आई थी, सॉरी 2020 में आई थी, उसकी ज्वाइनिंग अक्टूबर में आई थी। तो मैंने ये जो सारी फॉर्मेलिटीज तो पूरी कर ली, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया दोस्त। अब मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया था और मैंने CPO का भी दिया था एग्जाम दोस्त, CPO का एग्जाम दिया था तो प्री ठीक हो गया, फिर फिजिकल था, फिजिकल क्लियर हो गया, फिर मेंस था, मेंस क्लियर हो गया, फिर मेडिकल था, वो क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्त क्योंकि इसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था, और उसके बाद हुआ था मेरा क्या, उसका मेडिकल जो था, मतलब उसका जो फाइनल DV जो था वो बाद में होना था, तो मैंने कहा कि ये बेटर पोस्ट है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर से मेरे लिए, सबके लिए नहीं, किसी किसी का मानना करता कि ऐसा ही बेटर है, किसी का ये असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट, ये 4200 ग्रेड पे की दोस्त, ये जो सेंट्रल जेल होती है इसमें होता है दिल्ली में, जैसे ये मंडोली जेल, रोहिणी जेल और तिहाड़ जेल हो गई। तो दोस्त मेरा ये था कि इनमें तो मैं ये करूंगा, तो मैं CPO में अपियर नहीं हुआ। CPO में मेरे पहले जब आंसर की के बाद 346 पॉइंट समथिंग थे, लेकिन बाद में 3 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, तो लगभग मेरे 349 पॉइंट कुछ हो गए थे फाइनली। तो कट ऑफ जो वाला की कट ऑफ भी 349 गई थी, लेकिन मैं उसके DV में ही अपियर नहीं हुआ था SSC CPO में। अब दोस्त और तो मैंने एग्जाम, हाँ एक असिस्टेंट कमांडेंट 2019 का भी दोस्त एग्जाम दिया, अब के ऐसा नहीं हुआ था कि सिस्टर और मेरा एक साथ आ गया, अब के मैं अपियर हुआ थोड़ी बहुत थी, लेकिन इस बार भी क्या हुआ कि पहले खोला दोस्त एग्जाम तो कुछ नहीं हो रहा, पीछे से खोला फिर कुछ नहीं हो रहा। अब मैंने कहा चलो देखते हैं, फिर बीच में से स्टार्ट किया, हो गया रिटन क्लियर, हो गया फिजिकल भी क्लियर, हो गया इंटरव्यू में अपियर हुआ, लेकिन इस बार भी मेरा मतलब असिस्टेंट कमांडेंट में फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ, AS में हो गया था दोस्त। तो मतलब काफी बार, काफी क्या, अधिकतर एग्जाम में फेल हुए, 7-8 में पास हुए। अब दोस्त CGL 2018 चल रहा था, 18 चल रहा था, अब इनमें क्या था कि अब आता तो था लेकिन प्रैक्टिस नहीं थी, पढ़ मैथ्स वगैरह की प्रैक्टिस नहीं थी, GK वगैरह पढ़ रहे थे, अंग्रेजी पढ़ लेते थे, लेकिन प्रैक्टिस मैथ्स वगैरह की कर नहीं रहा था मैं। अब CGL का जब एग्जाम हुआ तो प्री में प्री हुआ, ठीक हो गया। अब 18 का मेंस हुआ, अभी भी मैंने प्रैक्टिस नहीं करी क्योंकि CGL 17 का रिजल्ट नहीं आया, और मैं सोच रहा था कि मैंने पहली प्रेफरेंस इनकम टैक्स इंस्पेक्टर डाली थी दोस्त,
दूसरी जीएसटी इंस्पेक्टर डाली थी, मतलब एक्साइज इंस्पेक्टर, तो मैं सोच रहा था इनकम टैक्स तो मिलेगी नहीं मुझे, और जीएसटी मैं 16 से कंपेयर करने लगा कि भाई इसमें ये मिल गई थी इतने नंबर पर, ये पहला रैंक होल्डर था, पता ही नहीं थी ना कि इससे बाद में या कैसे ऑप्ट कर रहे थे, क्योंकि दिल्ली में वैकेंसी रही थी। इस बार जनरल की 37 वैकेंसी है, मैंने कहा 558 है, मैंने कहा हो सकता है दिल्ली में मिल जाए, तो मैंने कहा ये मिल जाएगी सेकंड वाली, फर्स्ट वाली तो नहीं मिलनी क्योंकि वैकेंसी रिड्यूस हो गई थी उसमें इनकम टैक्स में, तो मैंने कहा दिल्ली में मिल जाएगी कोई वो बात नहीं, तो मैं 18 वाले के इसलिए कोई ज्यादा कर नहीं रहा था, तो दोस्त 18 का मैंने कहा चलो मेंस में तो हो ही आती है अपीयर, सही रहा कि मेंस में मैं अपीयर हो ली, मतलब एग्जाम दे दिया 18 का, नहीं तो होम पोस्टिंग में कभी मिल ही नहीं पाती, फिर 19 का भी देना पड़ता, फिर तो 18 का चला जाता, 20 का देखना पड़ता, 19 20 का इस तरीके से। तो दोस्त 18 में मैं एग्जाम में अपीयर हुआ, लेकिन क्योंकि मेरी मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं थी तो इस वजह से आता तो था, वो तो रहते क्वेश्चन, लेकिन स्पीड नहीं बन पाई, और स्पीड नहीं बन पाई तो इतनी सारी सिली मिस्टेक हुई मेंस में जिसकी कोई हद नहीं, और फाइनली मेरी रैंक ज्यादा बेकार भी नहीं आई लेकिन अच्छी भी नहीं आई, और मेरी 699 रैंक आई दो सीरियल 2018 के एग्जाम में, और मुझे जीएसटी एंड कस्टम, इस बार मैंने फर्स्ट डाला था, मतलब जीएसटी एक्साइज बोलते हैं उसमें जब ऑप्शन फॉर्म आते हैं, इसका प्रेफरेंस फॉर्म आते हैं, तो मैंने ये डाला, 699 मेरी रैंक आई थी, मुझे ये मिल गया। अब फिर हिसाब लगाने लगे कि भाई अब क्या था 2018 में एक्साइज की बहुत 699 तो बहुत उन्हें डाला हुआ था फर्स्ट प्रेफरेंस, अब हिसाब लगाने लगे कि दिल्ली मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो दोस्त बाद में बता लगा कि दिल्ली मिल जाएगा, तो थोड़ा चैन आया कि चलो ठीक है। फिर 19 वगैरह का नहीं दिया एग्जाम, फिर ही तो दिया था मेंस वगैरह, अपीयर में नहीं हुआ, तो यहां से मुझे ये मिल गया। तो दोस्त इसमें मुझे फाइनली दिल्ली जोन मिल जाता है। अब उससे पहले मैंने डैश 2 भी भरा था, जिसका रिजल्ट तो इसके बाद आता है, लेकिन मेरा इसमें फाइनल प्री हो जाता है, मेंस में अपीयर होता हूं। दोस्त इसमें भी मेंस में कंप्यूटर था, कंप्यूटर के 25 मार्क्स का था, तो दोस्त 25 में से हार्डली मुझे 3-4 क्वेश्चन आते थे, और कट ऑफ शायद जनरल की 218-219 जाती है 300 में से, और मेरे 212 पॉइंट समथिंग थे, और मेरा सिलेक्शन इसमें नहीं होता, मतलब टीयर 3 के लिए भी नहीं होता, जो कि एक क्वालिफाइंग मार्क वो था एग्जाम, क्योंकि इसमें ना मेरी जीके अच्छी हुई थी और कंप्यूटर, हालांकि मैथ रीजनिंग इंग्लिश ये 200 नंबर का था और काफी इजी दे दिया था तो वो अच्छा हुआ था, लेकिन कंप्यूटर 25 में से 3-4 क्वेश्चन पेपर हार्डली आते थे, और जीके भी मेरी अच्छी नहीं हुई थी, तो इसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। दोस्त डैश 4 में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, ये एग्जाम दिया था, ये भी सेम पैटर्न पर था, लेकिन इसका जो था मेंस वगैरह नहीं था, इसमें केवल प्री था, फिर टाइपिंग थी, टाइपिंग हो गई क्लियर, इसमें भी मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था। दोस्त पटवारी जिस दिन मेरा दोस्त असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट का एग्जाम था उसी दिन मेरा पटवारी का भी एग्जाम था, और पटवारी का मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, और वार्डर के मैं दोस्त प्री में क्लियर, फिर वो सॉरी इसका फिजिकल तो दिया था लेकिन इसके मैं मेंस में, मतलब मेंस नहीं, जो भी इसका रिटन एग्जाम था उसमें अपीयर नहीं होता हूं, और डैश 2 में भी मेरा फाइनली सिलेक्शन नहीं होता। तो दोस्त इस तरीके से मैंने इतने एग्जाम, हो सकता है 2-3 एग्जाम रह भी गए हों इसी बीच, जो मैं बताना भूल गया हूं, तो या तो उनमें फेल हुआ हूं या पास हुआ, फेल ही हुआ हूं, जब पास वाले तो याद रहते हैं ना, या मतलब फाइनल स्टेज तक पहुंचाओ, जिस भी स्टेज तक पहुंचाओ 2-3 हो सकता है रह गए हो, तो इतने एग्जाम्स में मैं अपीयर हुआ था। इसके अलावा दोस्त मैं SBI PO 2019 का फॉर्म भरा था, 18 में मैं एलिजिबल नहीं था, उसमें शायद 21 उम्र मांगते हैं, मेरी अप्रैल एंड में हो रही थी एज, और फॉर्म में 1 अप्रैल को मांगते हैं, तो दोस्त SBI PO में 19 में अपीयर हुआ था, अभी CGL 2017 और उसका रिजल्ट नहीं आया था, तो अपीयर हुआ उसमें मैं प्री क्लियर हो जाता है, फिर से मेंस हो जाता है क्लियर, लेकिन मेंस में अच्छे मार्क्स नहीं थे, फिर इंटरव्यू देता हूं, इंटरव्यू में तो उसमें ठीक मार्क्स मिले मुझे, 30 में से 25-26 मार्क्स मिले थे, लेकिन उसमें ग्रुप डिस्कशन भी होता है, उसमें मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, पता नहीं टॉपिक ही क्या था मेरी, तो वो ही समझ में नहीं आया था उस समय, अब तो याद ही नहीं कि कौन सा टॉपिक था ग्रुप डिस्कशन का, तो उसमें भी अच्छे मार्क्स नहीं आए, और मेंस में भी कोई खास मार्क्स थे नहीं, तो इसमें भी मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। तो इस तरीके से दोस्त मैं इतने सारे एग्जाम्स में अपीयर हुआ, जिस वजह से ना जाने कितना मैं फेल हुआ, तो दोस्त फेल हुए हैं बस हमें मेहनत करते रहना है, फेल हुए हैं कोई गुनाह नहीं किया, हमें आगे के लिए मेहनत करें, अगर हम मेहनत ना करें बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं
और फिर फेल होते हैं और फिर पछताए, उससे कोई फायदा नहीं। मेहनत करके फेल हुए तो दोस्त मेहनत तो करी है ना हमने, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। तो दोस्त कोई दिक्कत नहीं, आगे पास होते चले, आगे पास हो जाएंगे, किसी और में पास हो जाएंगे। जब भी आप फॉर्म भर रहे हो सीजीएल का जैसे तैयारी कर रहे हो तो दो बार सीरियसली देना एग्जाम को। मैंने 17 का तो अच्छे से दिया सिलेबस टेक, वो अलग बात है, लेकिन 18 का मैंने अच्छे से नहीं दिया और उसमें भी काफी सिलेबस टेक्स हुई, और लेकिन फिर भी दिल्ली में एक्साइज की पोस्ट काफी थी, रैंक इतनी थी कि दिल्ली एक्साइज मिल जाए, तो वो मिल गया, तो उसके बाद में सीजीएल में अपीयर नहीं हुआ। तो दोस्त यही मेरी अभी तक की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जर्नी रही है। बहुत एग्जाम्स में फेल हुआ, कुछ में पास हुआ। तो दोस्त हमें फेलियर से घबराना नहीं है। एक में फेल हुए, दूसरे में पास होंगे, दूसरे में फेल हुए तीसरे में होंगे, तीसरे में फेल हुए चौथे में होंगे। यदि हम ट्राई करते रहे तो डेफिनेटली हमारा सिलेक्शन होना ही होना है। लेकिन हमें जो है डेडिकेटेडली जो है 3-4 घंटे, ज्यादा तो नहीं मैं कहूंगा 4 घंटे अगर आप डेडिकेटेडली देते हो तो इन एग्जाम्स को डेफिनेटली क्रैक ये एग्जाम्स हो ही जाएंगे। तो दोस्त इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा, धन्यवाद।